प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे आज गवाह देने जा रहा है, कितना था 22 ना जो है बपतिस्मा लेने के लिए परमेश्वर का लोग, और आज ये लोग बपतिस्मा लेंगे। महत्वपूर्ण हम सभी लोग किसकी संतान, ये दिमाग में आप सभी लोग हम सभी को देव धीमहि धियो यो ओम। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की सेवा तहसील में धर्मांतरण का मामला आपके संज्ञान में आया, किस प्रकार आपने यहाँ पर आकर धर्मांतरण को वापस पुनः उनकी घर वापसी कराई? हम लोगों ने कल खरगोन में वीडियो देखा जो ग्राम रसगांव का था, और उसमें वीडियो में पास्टर द्वारा अरुणाचल प्रदेश से आया हुआ था, उसने खुलेआम रूप से उसमें पूरा वीडियो बना के वायरल किया कि हम लोगों ने ग्राम रसगांव में आके और इतने 22 लोगों का धर्मांतरण करा है 32वें का कार्यक्रम का। जैसे ही हम लोगों को ये कल वीडियो देखा, वैसे ही खरगोन शिवसेना जिला खरगोन के माध्यम से हम लोगों ने कल ही यहाँ पे यहाँ के जो सरपंच है रसगांव के भगवान भाई, उनसे मैंने संपर्क किया और उनसे उनको पूरी बात बताई कि ऐसा अगर हो गया है तो हम लोग उनसे आते हैं। भगवान भाई ने उनसे लगातार बातचीत जारी रखी, और गांव वालों से उनने जब बातचीत करी तो उनने गांव वालों ने ये बताया कि हमको गलती से उन लोगों ने अपने धर्म में प्रवेश करा लिया था। आज हम खरगोन शिवसेना के माध्यम से ये ग्राम रसगांव में आए हुए हैं, और जितने लोगों का धर्मांतरण हुआ था 22 लोगों का, उन 22 लोगों का हमने पुनः गायत्री परिवार के माध्यम से उनके पैर वगैरह धुलवा के और उनको मंत्रोपचार के साथ वापस पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश करवा लिया है, और उन लोगों से संकल्प दिला दिया है कि आज के बाद हम हिंदू धर्म छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हम लोगों को गलती से हम लोगों ने धर्मांतरण हो गया था, हम उनको उस चीज़ का कुछ भी ज्ञात नहीं था, और अनजाने में ऐसी भूल हो गई थी, हमको सवेरे के भूले हम वापस शाम को घर वापस आ गए हैं, और अब हम हमेशा हिंदू धर्म में ही रहेंगे। अभी ये जिस प्रकार का धर्मांतरण कराया गया है, पुलिस प्रशासन द्वारा या प्रशासन के द्वारा किस प्रकार की कार्रवाई की आप आशा रखते हो? जो भी अब तो पूरा कानून बन गया है मध्य प्रदेश और पूरे देश में कानून बन गया है कि कोई भी किसी का धर्मांतरण नहीं करा सकता है, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता पड़ा है कि पुलिस द्वारा 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और यहाँ से जाने के बाद हम पुनः SP साहब के पास जाएंगे और उनसे निवेदन करेंगे जो भी लोग इसमें लिप्त है और जो भी इस क्षेत्र में धर्मांतरण का कार्य कर रहे हैं उनके साथ सख्ती से निपटा जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। राजू शर्मा, शिवसेना जिलाध्यक्ष का।